और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, INDIA पर अमित शाह का हमला हुआ है, जहां पर अमित शाह ने कहा विपक्ष नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने और सारे भ्रष्टाचारी आज एकजुट हो गए हैं। तो लगातार विपक्ष पर प्रहार करते हुए अमित शाह यहां पर नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने देश को मजबूत किया है, ये उनका कहना है, और पीएम ने देश के लिए काम किया, देश को मजबूत किया, ये गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल लगातार जुटे हुए हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी है, और ऐसे में बीजेपी लगातार जमीनी स्तर पर भी खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह की भी ये रैली यहां पर हुई, जहां पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और साथ साथ ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत बनाया है। जो घमंड या गठबंधन इकट्ठा हुआ है 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाई और वो रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात करी। मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ये जो गमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी।